तो आज की हमारी इस क्लास में हम पावर बीआई को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम पावर बीआई की इंट्रोडक्शन टाइप की कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे एक एक प्रदीप को पावर बीआई के बारे में थोड़ा बहुत पता है और एक जी है जो कि पावर बीआई के बारे में कम जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ पावर, पावर बीआई का यूज क्या है, राइट? तो चलिए हाँ इसके यूज के बारे में हम समझते हैं कि आखिर यूज आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले चीज जानिए कि पावर बी आपके प्रॉब्लम क्या थी जिस कारण से पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने दिया। अब देखिए आपके पास एक्सेल है तो एक्सेल कुछ डेटा को ही कनेक्ट कर सकते, ठीक है, लेकिन आपका आवाज कट रही है सर। पावर बीआई डिफरेंट डिफरेंट सर डेटा आपके एक्चुअली बीच कैलकुलेट कर बीच में वॉइस नहीं आई थी आपके, सारे वॉइस आपको ब्रेक हो गया था एक्चुअली बीच में। आपको भी सर? हाँ सर दोनों को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं बार बात कर रहा था कि पावर आखिर यूज क्या होता है। तो सबसे पहले ये कि एक्सेल जो यूज हम करते थे तो एक्सेल की जो डेटा कनेक्टिविटी थी वो लिमिटेड, बट आपके पावर बीआई बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें, मैं आपको बता देता हूँ कितने डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके इतने तरह के डेटाबेस को कनेक्ट किया जा सकता है क्योंकि एक्सेल में पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज, ऑनलाइन पैटर्न, जैसे कि कोई ऑनलाइन सर्विसेज है उसको किया जा सकता है। जैसे कि आपकी पॉइंट हो गई, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, आपका अमेज़न का हो गया, लिंक्डइन का हो गया, इसके बाद मेल चैनल है, और ये इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डेटाबेस है जिसको आप लिंक कर सकते हैं जो कि वेब बेस्ड है, जैसे कि बैंक का आई लोन होता है। दूसरी चीज क्विक, देखिए इसका यूज होता है पावर बीआई का विजुलाइजेशन के लिए, किसी रिपोर्ट को बना के विजुलाइज करने के लिए। तो चलिए सामने एक छोटा सा हम रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम एक्सेल से डेटा लेता हूं। सर आपके ना एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं, आपकी वॉइस आपकी वॉइस टोटली ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए कल्पेश जी, आपके साथ ही में वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन हो रही है। इंटरनेट स्पीड आप लोगों का ठीक है ना? हाँ हाँ सर, इंटरनेट तो सही है। कोई जियो तो यूज नहीं कर रहा है? जियो पर तो कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ उनका पता नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतना नहीं, मतलब वो कंप्लीट कर रहा है वही मेरी भी कंप्लीट है फिर। हेलो, हाँ एक मिनट दीजिए, मैं भी वाईफाई चेंज करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। एक मिनट दीजिए मैं सर। हाँ श्योर श्योर। कल्पेश जी वैसे क्या करते हैं आप? हाँ मैं जॉब करता हूँ डाटा एंट्री में, लेकिन उसका हैंडल करता हूँ, उनका डाटा बहुत हैंडल करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा को लेते हैं यहाँ से, किसी भी तरह का एक डेटा, एक मैं डेटा लेता हूँ मुझे। हेलो, टेबल डेटा और चार्ट डेटा दो ले लिया। कविता रुक जा 10-15 मिनट, और इसको हमने 10-15 मिनट रुक। हेलो, अरे 10-15 मिनट वेट करो, 10-15 मिनट रुक जा। तो ये दो डेटा हमने टेबल का डाला। अब यहाँ पे चैलेंज देखिए क्या है, देखिए एक हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स बनानी है। मेरे पास दो डेटा है, ठीक है, एक टेबल डेटा है जिसमें मेरे पास टाइटल सोर्स है कि किस कितना मिनट और कितना व्यू है, एवरेज ड्यूरेशन क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है।
और दूसरा हमारे पास है चार्ट का टाइटल कि किस डेट को कितना देखा गया। तो मुझे इस पे एक विजुलाइजेशन चाहिए सिंपल सा। देखिए कितना जल्दी इस चीज को बंद होता है। हमने डेट को लिया और डेट में हमने अपने व्यू को रखा और इस पे मैंने अपना लाइन चार्ट लिया। हाँ, और यहां डाउन करता हूं तो हो जाएगा, फिर डाउन करूंगा तो मंथ और फिर डेट। डेट वाइज हमारी ये यहां पे आ गई। और उसके बाद हम यहां से सोर्स टाइटल में आते हैं और हम अपने सोर्स टाइटल और उसके अंदर कितने ये व्यूज हुए हैं। हमारा वॉच मिनट और कितना हम यहाँ पे इम्प्रेशंस है यहाँ पे हमने डाल दिया। एक छोटा सा विजुलाइजेशन हमारा तैयार हो गया। अब इन दोनों के बीच में जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें जाता हूं सोर्स टाइटल को इसकी जो सोर्स आईडी के साथ लिंक कर देता हूं। अपडेट देख रहा सर। अब इस रिपोर्ट को आखिर हम फिल्टर कैसे मैं इस रिपोर्ट को शेयर कैसे करें। एक छोटी सी रिपोर्ट दो टेबल की रिपोर्ट हम एक सीट पे यहां दिख रही है। दिख रही है सर? यहां पे देखिए और नीचे मैं करूं। अब इसको रिपोर्ट को बाहर निकालना है क्योंकि ये रिपोर्ट तो अब रिपोर्ट हम शेयर कैसे करेंगे। रिपोर्ट को शेयर करने के तीन माध्यम। पहला आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। दूसरा आप इसको लिंक बना किसी को शेयर कर सकते हैं और तीसरा आप पावर बीआई की जो सॉफ्टवेयर होती है वो पावर बीआई की सॉफ्टवेयर फाइल में तो भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए पावर बीआई होना जरूरी है, पीडीएफ का होना जरूरी है। तो कैसे करेंगे इसके लिए आपको फाइल में जाके पब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट को। लेकिन इसके माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। देखिए मैं यहां पे सेलेक्ट पब्लिश हो रही है। अगर मुझे जाना होगा अपने आरबीआई के ऑनलाइन मर्चिंग पे क्योंकि ये ऑनलाइन पब्लिश कर देता है और मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो आप पीडीएफ माने रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं, इसके लिए आपको यहां पे साइन इन करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप अपनी पर्सनल आईडी मत दीजिएगा, किसी कंपनी जो आपका ऑफिशियल आईडी है वो दीजिएगा क्योंकि पर्सनल आईडी को वो एक्सेप्ट नहीं करता है।
हमारा पावर बीआई का ऑनलाइन पैटर्न है जो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, और जो भी रिपोर्ट्स हम बनाएंगे वो रिपोर्ट्स मुझे अब यहाँ पे दिखेगा। रिपोर्ट हमने बनाया, लास्ट रिपोर्ट जो लास्ट रिपोर्ट होगी आपको भी यहाँ पे जाएगी। अब मुझे रिपोर्ट्स मान शेयर करने हैं, ठीक है ना, व्यू रिलेटेड करेंगे। नहीं इस, अच्छा इसने इंटरफेस चेंज कर दिया है, यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं आपका। हाँ अच्छा, शेयर करने के लिए चाहिए होता है आपको ये क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये चाहिए होता है, लाइसेंस वर्जन चाहिए होता है, लेकिन फ्री फ्री वर्जन आप शेयर कर सकते हैं। परचेस वर्जन कितने में आता है, क्या उसको मंथली पे करना होता है? हाँ, उसका मंथली पेमेंट होता है सर, परचेज मिलने का मंथली मंथली वर्जन होता है। और देखिए जितने रिपोर्ट्स हम यहाँ रखेंगे यहाँ पे आ जाते हैं। तो स्लो चल रहा है, आप क्या है कि आप डाउनलोड पावर डेस्कटॉप पे या डेटा गेट पे या पिंग बोर्ड या पावर बीआई मॉड्यूल्स इस पे इसको आप अपने कर सकते हैं। किस किसने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया है सर, विद मी आपको दिख जाएगा, और इसमें भी आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी आप अपनी चेंजिंग फिल्टर वगैरह जो है आप यहां पे आ सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली इसी रिपोर्ट को ये देख सकते हैं। अभी इंटरफेस उन्होंने चेंज कर दिया है, पिछले हफ्ते इंटरफेस कुछ और था, अभी चेंज कर दिया, तो एक मिनट जी यहाँ दिख गया। हाँ ये फाइल यहाँ पे आता था, अब यहाँ आ गया। अब मुझे मान लीजिए इसको पब्लिश ऑन द वेब कर सेव है, सेम रिपोर्ट करना है, प्रिंट प्रिंट को करना है। अब इस पे यहाँ देख आपको इस रिपोर्ट को मुझे सेव एज करना है वेब, तो अब मैं वेब पे किया क्रिएट एम्बेड। ए आप मांग पास ए आ गया इसका लिंक, लिंक को मैं किसी को भी भेज दूंगा, इस रिपोर्ट को कोई भी देख सकता है पब्लिकली, समझे? नो साइन इन नहीं है इसमें, किसी भी तरह का साइन इन का रिक्वायरमेंट, सारे फिल्टर सारे हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे जीमेल का डेटा दिखना है, जीमेल पे क्लिक कर दिया, जीमेल का दिख गया, ओके। लेकिन है कि जिसको भी लिंक लगेगा इसको देख सकता है, बट आप इनक्रिप्ट करना चाहते कि नहीं मैं जिसको चाहूं सके, तो उसके लिए आपको यहां से शेयर करना पड़ेगा, समझे? और शेयर करने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप उसकी पावर बीआई वाली आईडी डाल देंगे, तो पावर बीआई वाली आईडी डालते ही यहाँ शेयर विथ मी में आ जाएगा और वो अपने रिपोर्ट को देख सकता है, चाहे एक हो चाहे 1,000 हो चाहे 1,00,000 लोग, समझे? सर जैसे ही हमने शेयर किया अभी तो वहाँ लिंक एक क्रिएट हो गया, अगर हम बैकएंड में जाके चेंज करेंगे तो वो जो लिंक हमने शेयर किया हो उसमें चेंजेस भी दिखाई देगा? पब्लिश करना पड़ेगा आपको, अच्छा दोबारा से पब्लिश करना पड़ेगा वो? नहीं नहीं, नहीं लिंक नहीं, उसी में फाइल पब्लिश करनी,
नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे पब्लिश तो हमने कर दिया, एक लिंक जनरेट हो गया, आपने जो लिंक जनरेट हो गया ना, फिर आप चेंजिंग करने के फिर आप पावर बीआई पे जाएंगे, चेंज करेंगे, फिर आपको हाँ करना होगा, जैसे पब्लिश करेंगे आपका सर्वर पे पब्लिश हो जाएगा, और पब्लिश करेंगे वापस पब्लिश करेंगे तो इस बार आपको इसका एडी जनरेट करेगा लिंक जनरेट। अच्छा आप कह रहे हो हर इसका लिंक हर बार जनरेट करना पड़ेगा, लिंक जनरेट नहीं करेगा, लिंक वही रहेगा सर, थोड़ा मतलब रिफ्रेश करने के जैसा, रिफ्रेश करने जैसा, हेलो सेव करने जैसा, हो जाने के बाद वापस एक बार पब्लिश कर देने का वो बटन के ऊपर क्लिक। ये देखिए ना आपका जो लिंक है, ये लिंक है और वापस यहाँ पे लिंक है, दो लिंक है सर। इसमें डैक्स का क्या फंडा है इसमें? हेलो क्या इसका फंडा? डैक्स है ना इसमें, डैक्स कोडिंग है ना इसमें कुछ नहीं? डैक्स कोडिंग नहीं है, डैक्स डैक्स जो है फॉर्म आपने एक बार चेंज, एक बार अगर बैकएंड में चेंज कर दिखा पाए तो वो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और चार्ट अपीयर करता हूँ, ठीक है? मैं एक बार इस सोर्स वाइज सोर्स टाइटल इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट करने सोर्स टाइटल पे क्लिक किया और हमने इसमें ठीक है, ठीक है सर। अब इसको मैं यहां से पब्लिश करता हूं, सेव सिलेक्ट, बट इट अब यहां पे जैसे कि रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट पे हम आते हैं आपका, कुछ चेंज नहीं है? नहीं सर। अब मैं यहां पे आता हूं, इसमें तो अभी रिफ्रेश हुआ ही नहीं ना, एक बार इसको रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना ओवरराइट हो गया। आ गया ना? अब इसको पब्लिश करते हैं, आ जाएगी यहाँ अभी एक मिनट, वो इसका सीएसएस का फंडा होता है, मोजिला में खुलते हैं, बैकएंड में कुकीज डाउनलोड होती है ना सर, उसी से दिक्कत होगा। नहीं यहाँ पे
चार्ज करें रिफ्रेश हो जाता है, जैसे आप चेंज करेंगे ना तो हर जगह चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है सर कि कुकीज की जो सेटिंग होती है उस पर कभी कभी क्या होता है कि वो आपका जो इमेज है सीएसएस सेव रख लेता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसको आ जाता है, लेकिन कोई भी चेंजिंग करने पे आ जाता है सर। मैं बराबर यूज करता हूँ, जो लिंक आपने बनाया उसको एक बार डिलीट करेंगे, लिंक को जो इसका लिंक बनाया उसको लिंक अगर डिलीट करना हो हमें, जो लिंक है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं जी, उसकी सेटिंग चेंज करनी होती है सर, वो सारी चीज कराएंगे आपको हम, ठीक है ना। नहीं एक्चुअली सर मैंने ना एक करके देखा था जो अभी वाला पॉइंट ना, तो उसमें क्या ना मेरे को वो लिंक डिलीट करना पड़ता है एंड देन ये लिंक द्वारा जनरेट करना पड़ता है। मतलब क्या हो रहा है कि जितनी बार मैं उसको चेंज करूंगा उतनी बार मुझे दोबारा से लिंक जनरेट करना पड़ता है, दोबारा से लिंक शेयर करना पड़ता है, सेम लिंक तो सेम ही होता है। जैसे मैंने दोबारा जनरेट किया आपको दिख रहा है सर, तो आप देखेंगे लिंक सेम रहता है, देखिए। लेकिन सर चेंज नहीं आ रहा ना, वो चेंज नहीं आ रहा ना लेकिन आपका, वो चेंज तब आएगा जब आप उसको लिंक को डिलीट करके ना, जब आप उसको दोबारा से आप उसको पब्लिश करेंगे, ये करेंगे आपका वेब पे करेंगे इसका, अगर आपका लिंक है ना इसका लिंक अगर आप एक बार डिलीट कर पाए समझ गया आपकी बात को, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है सर क्योंकि मैं यूज करता हूं। तो मेरे मैंने सर एक दो बार किया तो मेरे को ऐसा ही हुआ, तभी मैंने वो वाला पॉइंट मुझे याद आया। तो यहां से भी है कि हम आपका डेस्कटॉप ही इस्तेमाल करें, हम अपनी रिपोर्ट्स यहां से भी जनरेट कर सकते हैं, देख रहे हैं आपको सर। लेकिन क्या होता है हमें बहुत सारे फैसिलिटीज मिलती है पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के अंदर में, वरना आप यहां पे भी अपने चार्ट्स बना सकते हो, यहां पे विजुलाइजेशन दे सकते हो। आप मान लीजिए मुझे चार्ट नया से बनाना है, तो मैं यहां पे क्लिक किया और मैं यहां पे इसमें चार्ट में गया, डेट को लिया, डेट को क्लिक किया और सोर्स को क्लिक, व्यू को क्लिक किया, तो मेरा यहाँ भी परफॉर्म हो जाता है, चल रहा है ऑपरेशन, वेब वर्जन थोड़ा स्लो चलता है। तो आपको पूरा तरीके से समझाया जाएगा, इसकी जो डिटेल्स है कोर्स की वो देख सकते हो इसमें। अभी थोड़ा सा व्यू चेंज कर दिया है, इसका इंटरफेस कर दिया है, तो इसलिए अपडेट किया है मैंने, अभी अपडेट दिखा रहा था नीचे ना, मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो इसमें आप जो है अपना कर सकते हो। दूसरा जो आपने बोला सर उसके जो दिक्कत होती है, तो ये आप वेब लिंक जनरेट करते हैं तो हो सकता है उसमें दिक्कत हो, लेकिन आप अगर शेयर करते हैं रिपोर्ट को जो शेयर विथ मी में आता है वो एकदम ड्राइव की तरह होता है सर, ठीक है ना। तो शेयर सर मैं नहीं सर, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए अब मेरा क्लाइंट बैठा हुआ यूएसए में, एक मेरा पहले चीज को जान लीजिए कि हम किसी भी रिपोर्ट को पब्लिकली शेयर नहीं करते, बहुत ही कम केसेस में, 5% ही ऐसा केस होता है जिसमें हम रिपोर्ट्स को पब्लिकली शेयर करते, क्योंकि ये लिंक जिसको भी लगेगा आपका रिपोर्ट आपका डेटा वो देख सकता है, ये बात जानना है ना सर, ठीक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी को आपने भेजा और उसने पब्लिकली शेयर कर दिया तो इसलिए ऑफिस के अंदर में जो रिपोर्ट जाती है वो शेयर होती है, कहां से, या जो रिपोर्ट आप देख रहे थे ना सर वहां से शेयर होती है। तो शेयर होने पे क्या होता है कि वो आप जिसकी ईमेल आईडी रखेंगे वो उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा और उसको देखेगा, अगर कल के डेट में उसको सर हाँ लिंक नहीं जाएगा सर, उसको कुछ नहीं भेजना है आपको, अगर तो उसके पास सारी फाइल जाती है कंप्लीट, हाँ उसके पास कंप्लीट फाइल चली जाती है रिपोर्ट्स की, शेयर विद मी कर दिया तो आपको कोई मेल वेल लिंक विंक जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल उठाया रिपोर्ट को शेयर कर दिया। तो रिपोर्ट को शेयर करने से क्या हो गया, अब वो जाएगा शेयर विद मी में देखेगा और अपना खोल लेगा। अच्छा खोल पाएगा जिसको हम देते हैं, ये जो लिंक जनरेट कर, देखिए इसमें सर लेकिन एक डिसएडवांटेज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हर बंदे का फिर अपना एक पावर बीआई का अकाउंट होना चाहिए। हाँ ये इसीलिए ये प्रॉब्लम तो है कि बिना बिना पावर बीआई के अकाउंट पे कोई आपका रिपोर्ट एक्सेस
नहीं कर पाएगा अगर आप इसीलिए तो ये आपका वेब वाला सिस्टम दिया गया है, लेकिन वेब वाला सिस्टम तो अनसिक्योर है ना सर। उठा के मान लो अपने रिपोर्ट की लिंक उठाया और उठा लूज रिपोर्ट के लिंक को उठा के अब फेसबुक पे शेयर कर दिया तो क्या करेंगे आप? वैसे वो तो ठीक है सर आपकी, वो तो जो ऑप्शन दिया हुआ सर शेयर तो कर ही सकता है बंदा, हाँ लेकिन ये कि शेयर वो थोड़ा नेगेटिव यूज हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। सर, ओके तो क्लास कब से लेंगे? कल से लेंगे आप? मैं सर एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं टाइम का भी और सब कुछ, फिर उस हिसाब से मैं आपको एक बार कॉल कर लूंगा मैं आपको। ठीक। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आप कल कल से स्टार्ट कर सकते हो ठीक मेरे लिए, मैं लेकिन एकदम बेसिक से चालू करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि मेरे को वो बेसिक से जो चालू करेंगे। जो इसमें कैलकुलेशन है ना उसी में मेरे को ज्यादा ये मतलब इंटरेस्ट तो है सब में, अब रिपोर्ट्स और इसमें कैलकुलेशन है ना, जो मेरे जो बल्क होता है जो फाइल एक्सेल में कैलकुलेशन की वजह से, तो वो थोड़ा जो डैक्स बोल रहे थे ना, डैक्स और फॉर्मूलाज हाँ डैक्स तो उसमें अभी। देखिए उसमें आपको चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसमें मोस्टली जो होता है ना सर वो आपका हाँ एक्सेल का हाँ फॉर्मूला होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने पढ़ा था। हमें वो एडवांस एक्सेल तो हो जाए, टेंशन में प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसका भी कभी अबे इसमें हमने कैलकुलेशन किया वही हमको डाटा एक्सेल में चाहिए तो मिल जाएगा हाँ यहाँ पे ये रिलायंस की एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो फिर इसको, लेकिन इसके लिए आपको अपग्रेड अकाउंट होना चाहिए। क्या? अपग्रेडेड जितने भी रिपोर्ट्स हमारे हैं वो रिपोर्ट्स यहाँ पे, तो एक तो यहाँ एक्सेल पे देखिए क्या है, ये आपके साथ शेयर है कि आप इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे आता है इसको आप एक्सेल में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना, और मतलब ये व्यू मतलब रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट सर क्या होना चाहते जरूरी है। तुम? हेलो, बोल। अरे भाई जो कैलकुलेशन करते हैं अपन अभी हाँ समझे, दो इसका वी लुकअप लगाया हाँ एक अलग फाइल के ऊपर, अभी इसमें डैक्स में लगा दिया तो उसका फाइल साइज कम हो जाता है, अभी वही फाइल मेरे को एक्सेल में हाँ चाहिए जो वी है, तो अभी लाख लाख डाटा है अपने पास, वी लुकअप हाँ लगाया कैसा फाइल हो जाता मालूम है ना। हाँ हेलो, तो वही अगर एक्सेल में कन्वर्ट करके मिला तो एक्सेल में तो ऐसा नहीं आएगा, एक्सेल में तो इसका रिपोर्ट आएगा और सारी रिपोर्ट नहीं आएगी सर, इसमें लिस्टेड आएगा वो जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सेल में नहीं है, तो जो एक्सेल में फीचर नहीं होगा उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है, चलो सीखते हैं। क्योंकि एक्सेल को एक्सेल के अलावा ही है ना सर। हाँ एक्सेल के अलावा भी है। हाँ एक्सेल के अलावा ही है सर, क्योंकि इसमें एक्सेल दिख रहा है ना आपको सर, एक्सेल में खुल जाएगा आपको। इसके बाद इसमें आपका एक आता है, इसमें आपका परमिशन सिक्योरिटी को खुल गया, परमिशन वगैरह मान लीजिए कि तो आप चाहते हैं कि कोई मेरा रिपोर्ट ना सके, जैसे हुआ ना कि मैंने थर्ड को भेजा, मुझे देखना है कि इस रिपोर्ट को कौन कौन देख रहा है, तो यहाँ आप इसमें मैनेज परमिशन पे जा सकते हैं। मैनेज परमिशन पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आगा कि भाई कौन कौन से इसका है और क्या है, ऑनर व्यू है, रीड ओनली क्या है, और किसी को हटाना है तो इसको हटा सकते हो आप कि भाई इस रिपोर्ट पे इस पे कोई ना रहे, डिलीट कर सकते हो उसकी परमिशन को, तो ये पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है सर, हाँ चलिए तो मिलते हैं कल, और आप लोग अपने आरबीआई के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, ईमेल आईडी के